अभी छुट्टा कर दे इसको। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? घर पे होंगे, सेफ होंगे, आई होप सो। पिछले वीडियो में हमने प्लानिंग का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और प्लानिंग की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग की फीचर्स क्या है, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान्स। देखिए, जो प्लान्स हैं उनको बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स, एक होते हैं आपके सिंगल यूज प्लान्स और एक होते हैं नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स। कुल मिला के प्लान्स को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्टैंडिंग प्लान्स। देखिए, पहले हम इन तीनों का मीनिंग डिस्कस करेंगे। जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो प्लान्स होते हैं जो संस्था में एक बार बनाए जाते हैं और जिनको हम लंबे समय तक क्या करते हैं, यूज करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स। एक बार के प्लान आप बनाओगे और लंबे समय तक हम क्या करते हैं, इसको प्रयोग करते हैं और बार बार इसमें चेंजेस नहीं की जाती। कोई स्पेशल सिचुएशन आती है, किसी प्रकार के हालात बदलते हैं तो ही हम इनमें चेंज करते हैं, नहीं तो एक बार हमने ये प्लान बना दिए, ये फॉर एवर काम करते हैं, कई कई वर्षों तक काम करते हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड और रूल। चार प्लान इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। नंबर दो पे आता है सिंगल यूज प्लान। देखिए, सिंगल यूज प्लान क्या होता है? एक ऐसा प्लान जो एक बार आप बनाओगे और एक ही बार क्या करोगे, उसको यूज करोगे। यूज वन टाइम एंड प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ ए स्पेसिफिक और यूनिक सिचुएशन। एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए, एक यूनिक सिचुएशन के लिए ये प्लान बनता है और जैसे ही सिचुएशन कंप्लीट हो जाती है प्लान समाप्त कर दिया जाता है, उस प्लान को बार बार यूज नहीं किया जाता। इसमें आपके दो प्रकार के प्लान आएंगे, एक है प्रोग्राम और एक है आपका बजट। इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। नंबर तीन पे आता है नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स। कुछ प्लान ऐसे भी होते हैं जिनको ना तो हम स्टैंडिंग प्लान्स की कैटेगरी में रख सकते और ना ही जिनको हम सिंगल यूज प्लान्स की कैटेगरी में रख सकते। ऐसे जो प्लान्स होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। ये कोई भी आप प्लानिंग करें, किसी भी लेवल पे करें, इनका प्रयोग किया जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग। इसमें दो प्लान आएंगे आपके, एक ऑब्जेक्टिव और एक आपका आएगा स्टेटस। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन प्रकार के प्लान क्या करेंगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट, सबसे पहला आता है स्टैंडिंग प्लान्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो स्टैंडिंग प्लान्स है वो क्या है, एक बार आप ये प्लान बनाओगे बट आर यूज्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स। बढ़ेगा एक बार प्लान लेकिन उसका प्रयोग होगा लंबे समय तक, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द इयर्स। इसमें सबसे पहले आता है पॉलिसी। देखिए, पॉलिसी किसे कहते हैं? पॉलिसी आर द जनरल गाइडलाइंस मैनेजमेंट के द्वारा डिफरेंट रेस्पेक्ट में डिफरेंट गाइडलाइंस जारी की जाती है जो कि पॉलिसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आप पॉलिसी में ले लीजिए प्रमोशन पॉलिसी। जैसे कोई भी एम्प्लॉय अगर संस्था में काम करता है तो उसकी प्रमोशन किस आधार पे होगी? क्या उसके काम के आधार पे प्रमोशन होगी, या उसकी एज के आधार पे प्रमोशन होगी, या उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे प्रमोशन होगी? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन? इट विल बी वेल डिफाइंड अंडर द प्रमोशन पॉलिसी। तो इसी प्रकार से और भी कई तरह की पॉलिसी
संस्था के अंदर बनाई जाती है, जिनको अपने एम्प्लॉइज को गाइड करने के लिए बनाया जाता है। नंबर दो पे आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसे अगर मान लीजिए किसी को हमने उधार माल बेच दिया, तो हम उससे रिकवरी कैसे करेंगे? जैसे ही समय आएगा रिकवरी का, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि सबसे पहले उसको एक मैसेज भेजा जाएगा। अगर मैसेज का रेस्पॉन्स नहीं आता तो हम टेलीफोनिकली संपर्क करेंगे। अगर टेलीफोनिकली भी संपर्क सही से नहीं हो पाता, पैसा नहीं आता, तो हम लोग पर्सनली एक मीटिंग करेंगे। अगर पर्सनली मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति पैसा नहीं देता, तो हम लीगल एक्शन लेंगे, यानी कि हम कोर्ट में जाएंगे अपने पैसे की रिकवरी के लिए। तो ये प्रोसीजर है। तो ऐसे ही संस्था में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनका एक प्रोसीजर तय कर दिया जाता है। जब भी एम्प्लॉई को काम करेगा, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही काम करेगा। उसके बाद आता है मेथड। मेथड क्या होता है? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने के कई कई तरीके होते हैं, तो हम उसमें से एक बेस्ट मेथड को ऑप्ट कर लेते हैं कि हम जब भी ये काम करेंगे इस मेथड से करेंगे। उस मेथड को स्टैंडर्ड मेथड कहा जाता है। जैसे किसी भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, जैसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जैसे मशीन आवर रेट मेथड है, जैसे एनुटी मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनका प्रयोग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे संस्था के अंदर जिस प्रकार की एसेट्स हैं, जिस प्रकार की सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनके अंदर कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, तो हम एक बेस्ट मेथड को ऑप्ट कर लेंगे और फिर भविष्य में उसी मेथड से क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। उसके बाद आता है रूल। देखिए रूल क्या है? रूल एक स्टेटमेंट है जो हमें गाइड करती है संस्था में कि किसी सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान रहे, रूल्स आर वेरी रिजिड एंड वी हैव टू फॉलो इट। हमारे पास रूल्स को फॉलो करने के अलावा किसी प्रकार की और कोई चॉइस नहीं होती। सपोज अगर ऑफिस के लिए रूल बना दिया कि कोई भी एम्प्लॉई ऑफिस कैंपस में स्मोकिंग नहीं करेगा, तो ये एक रूल है। और ध्यान रहे, कोई भी एम्प्लॉई अगर रूल को वायलेट करेगा, तो देयर शुड बी सम प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट आल्सो। अगर कोई कर्मचारी रूल्स को वायलेट करता है, तो संस्था के अंदर पनिशमेंट के प्रोविजन भी होने चाहिए। उसके बाद देखिए बी टाइप आती है, सिंगल यूज प्लान्स। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिंगल यूज प्लान का मतलब है एक ऐसा प्लान जो हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन होती है उसके लिए बनाया जाता है। और जैसे ही वो सिचुएशन चली जाएगी, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा, उस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। दीस प्लान्स यूज वन टाइम एंड प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ ए स्पेसिफिक और यूनिक सिचुएशन। मैंने बताया एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी कंपनी के अंदर कोई ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज की, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पूरा प्लान तैयार होगा कि ट्रेनिंग कब होगी, कौन कौन से एम्प्लॉई उस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्सपर्ट कहां से आएंगे, उनके रहने का खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या होगा, ट्रेनिंग के कंटेंट्स क्या होंगे, वगैरह वगैरह। ये पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो वंस द प्लान इज बीइंग मेड एग्जीक्यूटेड, और जैसे ही ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी एम्प्लॉइज की, वो प्रोग्राम डिस्ट्रॉयड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, हम पिछले प्लान को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए था और उसने उसका अपना काम कर दिया। जब नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग होगी, तो नए सिरे से प्लान बनेगा, एक प्लान को हम दूसरे प्लान में यूज नहीं कर सकते। और नंबर दो पे आता है बजट। बजट एक्चुअली क्या होता है? जब भी हम किसी प्लान को क्वांटिटी में डिफाइन करते हैं, मनी में डिफाइन करते हैं, तो उसको बजट कहा जाता है। जैसे प्रोडक्शन बजट, आने वाले महीने में हम कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन करेंगे, ये क्या है? प्रोडक्शन बजट है। आने वाले महीने में हम कितने रुपए का माल बेचेंगे, ये सेल बजट है। आने वाले महीने में
कहां से कितना पैसा आएगा, कहां कितना पैसा जाएगा, ये कैश बजट है। तो इस प्रकार से कोई भी प्लान जो किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं या मनी में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको बजट कहा जाता है। और तीसरी टाइप आती है नाइदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान्स। इस कैटेगरी में जो प्लान्स आते हैं ना तो हम उनको सिंगल यूज कैटेगरी में ले सकते और ना ही स्टैंडिंग प्लान्स में ले सकते। बेसिकली ये जो प्लान्स होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये पूरी संस्था की जो प्लानिंग होती है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें आपके दो प्लान्स आते हैं, एक आता है आपका ऑब्जेक्टिव और एक आता है आपका स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आप आने वाले समय में जो भी अचीव करना चाहते हैं, अल्टीमेटली जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, हमेशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी संस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल रिटेन क्लियर होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि अगले 6 महीने में हमें अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना है, ये बिल्कुल एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, हमें पता है कि व्हाट वी वांट टू अचीव 20% इंक्रीज इन सेल्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ। सेकंड ऑब्जेक्टिव में भी डिक्रीज इन रिजेक्शन बाय 2% बाय 1 मंथ। इट मींस दैट जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन का एक पार्ट वेस्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो हम उस रिजेक्शन की परसेंटेज को कम करना चाहते हैं क्योंकि रिजेक्शंस हमारी कॉस्टिंग को इंक्रीज करती है, हमारे प्रॉफिट को घटा देती है। तो हमने प्लान किया कि हम धीरे धीरे अपने रिजेक्शन को कम करेंगे। तो हमने प्लान किया कि हम लोग अगले महीने में अपनी रिजेक्शन की जो परसेंटेज है उसको 2% डाउन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट स्ट्रेटजी। देखिए स्ट्रेटजी क्या होती है बेटा, स्ट्रेटजी होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये काफी बड़ा प्लान होता है और देखिए ये प्लान बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव थोड़े समय संस्था पे नहीं पड़ता, इसका प्रभाव लंबे समय तक संस्था के ऊपर पड़ता है। तो ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है और बहुत ही सोच समझ के प्लान करके तैयार किया जाता है। जैसे स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी हो सकती है वेदर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट और नॉट, कि क्या कंपनी एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करेगी या नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, हम ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने मान लीजिए सोच रही है, विचार कर रही है कि हम एक नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें या ना करें। ये एक स्ट्रेटजी है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लान होता है एक प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल एंटर इनटू ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, देखिए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं उससे हटके कोई नया बिजनेस शुरू करना, तो इससे वेरी बिग प्लान। तो ये एक स्ट्रेटजी कहलाती है कि क्या हम एक नई लाइन ऑफ बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, इससे स्ट्रेटजी होता है कंपनी। सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, जिस लाइन ऑफ बिजनेस में हम काम कर रहे हैं अगर हमने स्ट्रेटजी बनाई कि आने वाले 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमें अपनी लाइन में टॉप पोजीशन को अचीव करना है, हमें इस लाइन में टॉप पे आना है, तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ध्यान रहे जो स्ट्रेटजी है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।